हेलो दोस्तों, बुक रिव्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही यूनिक और फीचर वाली बुक की बात करूँगा सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए। इस बुक का पहले मैं रिव्यू कर चुका हूँ, सीएस एग्जीक्यूटिव टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस का, और ये इसका सेकेंड एडिशन है। और इसका मैं अगेन आपके सामने जो है जो दिसंबर में 2018 में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए ये रिव्यू करने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीएस एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड जो भी बुक्स हैं उसके कंटेंट के कंटेंट को स्टडी करके मैं और भी बुक्स के रिव्यू वीडियोज़ बनाता रहूँगा, और मैंने बनाए भी हैं पिछले टाइम में। तो मैं चाहूँगा आप सबसे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको हर बुक की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाऊँ कि वो आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं है। तो अभी मैं एग्ज़ाम टाइम पब्लिकेशन एग्ज़ाम टाइम का जो है रिव्यू करने वाला हूँ, टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, ठीक है। ये इसका सेकेंड एडिशन है। फर्स्ट एडिशन जब मैंने रिव्यू किया था तो उसमें जो है जीएसटी, इनकम टैक्स दोनों इंक्लूडेड थे, और इस एडिशन में भी वो दोनों इंक्लूडेड हैं। एक ही बुक में दोनों पार्ट्स को कवर किया गया है। ये बुक सीएस एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस के लिए रेलेवेंट है, क्योंकि न्यू सिलेबस में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा, उसमें सब्जेक्टिव आएगा। तो इसीलिए ये बुक जो है ओल्ड सिलेबस वालों के लिए यूज़फुल है जो दिसंबर में एग्ज़ाम दे रहे हैं। दूसरी बात, इसमें जो है पास्ट ईयर के सभी क्वेश्चन सॉल्व करके इसमें इंक्लूड किए गए हैं। उसके बाद इसमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो भी सबसे ज़्यादा जो है इंक्लूड किए गए हैं। इसमें सॉल्व पेपर 2018 एग्ज़ाम जून अटेम्प्ट का इंक्लूडेड है। तो इन शॉर्ट कहें कि ये बुक जो है दिसंबर अटेम्प्ट के लिए बहुत ही यूज़फुल है। इसका मैंने पहले जब रिव्यू किया था तो इसका ये फर्स्ट एडिशन था, आप लोगों को मैंने बताया भी। तो जो फर्स्ट एडिशन था उसका मैंने जो जून में जो 2018 में जो पेपर हुआ सीएस एग्जीक्यूटिव का, सीएस इंस्टीट्यूट ने जो पेपर लिया उसमें जो टैक्सेशन पार्ट का मैंने चेक किया तो टैक्सेशन पार्ट में करीबन 50 क्वेश्चंस में से, जीएसटी का जो पार्ट 50 मार्क्स का है उसमें जो है 43 मार्क्स का इस बुक में ऑलरेडी वो क्वेश्चन सेम टू सेम दिया हुआ है। आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा। तो इन शॉर्ट कहें तो ये बुक जो है एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है। इसमें वो क्वेश्चंस ऑलरेडी अवेलेबल थे, सेम क्वेश्चंस जो है 50 में से 43 क्वेश्चन आना बहुत ही बड़ी बात होती है। और जीएसटी का जो पार्ट है इसमें वो काफ़ी अच्छे से इंक्लूड किया गया है, और इनकम टैक्स का भी इंक्लूड किया गया है। तो मैं इनसाइड कंटेंट की बात करता हूँ, चलिए। तो यहाँ पे इसका कहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, यहाँ पे एक टेस्ट कोड आता है, तो टेस्ट कोड को मैंने यहाँ से रिमूव कर लिया है। उस टेस्ट कोड से आप जो है इसके जितने भी MCQs हैं वो ऑनलाइन, यहाँ पे प्रोसीजर दिया गया है, ऑनलाइन जाके आप उस कोड को अपने फ़ोन में या PC में आप जाके वेबसाइट पे अप्लाई करेंगे तो आप उसके क्वेश्चंस फ़ोन पे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको बुक कैरी करने का टाइम ना मिले तो आप वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी बात, जो ऑथर हैं वो क्वालिफाइड CMA हैं, MCOM हैं, और उन्होंने करीबन 5000 के लगभग स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे एडिटोरियल बोर्ड की बात करें तो CS तेजपाल सेठ सर का नाम है, CS रमन रस्तोगी सर का नाम है जो कि विजिटिंग फैकल्टी ऑफ ICSI है,
एडवोकेट अमित के कोचर का नाम है और बहुत सारे सी एज ने इस बुक के बुक को देखा हुआ है, एक बार गो थ्रू किया हुआ है। इस बुक में जो टोटल जो चैप्टर्स हैं वो 44 हैं और 18 चैप्टर जो हैं वो इनकम टैक्स के हैं और बाकी जो चैप्टर्स हैं वो जो है जीएसटी के हैं। जीएसटी के हर एक पार्ट को बहुत ही अच्छे से इस बुक में कवर किया गया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा भी कैसे किया गया है। तो उसके बाद ये इसका हुआ फर्स्ट चैप्टर। यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। टेबुलर प्रेजेंटेशन में सभी कंटेंट्स को इसमें कवर किया गया है कि आप उसका समरी को इंक्लूड किया गया है, आप देख पाएंगे। उसके बाद क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चंस के आंसर साथ के साथ दिए गए हैं, एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, ठीक है। तो एक तरीके से ये बहुत ही बेस्ट बुक रहेगी अगर आप ओल्ड सिलेबस में अपीयर होने वाले हैं 2018 एग्ज़ाम्स के लिए। मैं बात करूंगा और भी बुक्स की जो अवेलेबल हैं जिसे आप लोग यूज़ कर रहे हैं, और ये बुक उन बुक्स से बेस्ट क्यों है उसका भी मैं बताऊंगा। तो इस तरीके से, और इसमें जीएसटी का पार्ट जो है इसमें हर एक टॉपिक को एक चैप्टर बना दिया गया है और उस पर क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये 44 चैप्टर एक तरीके से बहुत ही कंप्लीट बुक है और बहुत ही हैंडी है ये बुक। और इसका एमआरपी जो है, एमआरपी है इसका 695। तो बेस्ट बुक है एक तरीके से आप लोगों के लिए। अब मैं बात करूँगा इस लेवल की जो बुक्स और आ रही हैं एमसीक्यू की, उसकी बात करूँगा मैं। अगर मैं बात करूँ तो एक बांगर सर की बुक आती है, एमसीक्यू बेस्ड है। तो बांगर सर की बुक में क्या है कि क्वेश्चंस कम हैं आपको प्रैक्टिस के, इसमें 5000 एमसीक्यूज़ हैं और उसमें जो है क्वेश्चंस कम है, करीबन 2700 या 3000 के आसपास क्वेश्चंस हैं उसमें। उसके बाद जो जो उस बुक में जो पार्ट्स हैं, जो समरी है, वो जो है कुछ जीएसटी के पार्ट्स में कुछ ज़्यादा दी गई है और कुछ जगह पे वो ठीक है। बट उसमें एक चीज़ है, उसमें स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चल पाता कि हमारा जो एग्ज़ामिनेशन लेवल का जो क्वेश्चन आता है वो नहीं होता उसमें। यानी कि जो एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उसका जो है स्टूडेंट्स को ओवरव्यू नहीं मिल पाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो एक तरीके से एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन उसमें नहीं होते हैं, उनके अपने क्वेश्चंस होते हैं। बट इस बुक में क्या है, इस बुक में जो है एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस तो हैं ही, प्लस अदर जो क्वेश्चंस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो भी हैं। दूसरी बात, एक बुक आती है टैक्समैन पब्लिकेशन का, स्कैनर आता है, तो उसमें जो जीएसटी का पार्ट है वो कम्प्लीटली जो है बहुत शॉर्ट में दे दिया गया है। अगर मैं बात करूँ इसमें जो है 19 चैप्टर से लेके 44 तक जो टॉपिक्स हैं वो सिर्फ जीएसटी से रिलेटेड हैं, बट उसमें बहुत ही शॉर्ट में दे दिया गया है। तो आई थिंक ये जस्टिफाइबल नहीं होगा और इस बुक में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, इतने टॉपिक्स हैं और उसमें बहुत शॉर्ट में दिया गया, मुझे थोड़ा सा लगा कि प्रिपरेशन में सही नहीं रहेगा उसको लेके अगर आप प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि उसमें जो समरीज दी गई हैं वो स्टार्टिंग में दे दी गई हैं और बहुत ही शॉर्ट में दे दिया गया है। इसमें जो समरीज हैं आप देखेंगे 2 से 3 पेज की समरीज इसमें हर चैप्टर में है, और अगर 44 चैप्टर्स हैं तो 3 × 44 अगर आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा समरीज हैं इसमें, तो उसमें इतना नहीं है, उस बुक में इतना नहीं है। तो एक तरीके से देखा जाए तो उसमें जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बहुत कम हैं इसके कंपैरेटिवली। तो बात करें अगर प्राइसिंग की, तीनों बुक्स की प्राइसिंग की बात करें, तो जो टैक्समैन का स्कैनर आता है वो लगभग इसी प्राइस में आता है, और जो बांगर सर की बुक आती है वो लगभग 700 या 800 के करीब आती है। मैं यही कहूँगा कि आपको ब्रांड नेम के अंडर नहीं जाना चाहिए, एग्ज़ाम टाइम भी एक ब्रांड नेम है,
बट जो क्वालिटीज़ हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसमें जो है एग्ज़ाम क्वेश्चंस, सभी एग्ज़ाम क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, बांगर सर की बुक में नहीं है। इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, उसमें कम है। इसमें जो इंस्टीट्यूट का जो सिलेबस है वही कवर किया गया है जीएसटी पार्ट में, उसमें जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया गया है। बात करें टैक्समैन के स्कैनर की, तो उसमें समरी जो है काफ़ी कंसाइज दे दी गई है, बहुत ही शॉर्ट में दे दिया गया है। और जो जीएसटी का पार्ट है वो भी काफ़ी शॉर्ट में है, तो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम है। तो इन माय ओपिनियन दिस बुक इज़ मच बेटर फॉर यू। और आप चाहें तो जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसको कैश ऑन डिलीवरी पे भी परचेज कर सकते हैं, अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है। अमेज़ॉन पे इस बुक का जो रैंकिंग है अभी लॉ बुक्स में, करीबन थाउजेंड्स ऑफ बुक्स हैं अमेज़ॉन पे लॉ की, तो इसका 43 रैंक है, तो काफ़ी अच्छा रैंक है, ठीक है। और जो है इसमें एक और बुक इन्होंने शो किया हुआ है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, वो सेम फॉर्मेट में वो बुक है। तो आप लोग इस बुक को एक बार मार्केट में भी ये बुक अवेलेबल है, आप वहाँ पे चेक करें। और आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मुझे एक अच्छी फीलिंग आ रही है इसलिए कि मैंने आपको ये बुक रिकमेंड करी थी। और जीएसटी का जो इतना ज़्यादा पार्ट एग्ज़ाम में आ गया है इसी बुक से, तो डेफिनेटली ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा कि मैंने आपको एक अच्छी बुक को रिव्यू किया था। आगे के लिए मैं और भी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। फ़िलहाल इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो इस बुक से रिलेटेड या अदर बुक से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आप मुझसे चाहते हैं कि मैं शेयर करूँ, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक्स।